मैं आपका अलॉटमेंट दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है वो नहीं बता सकता। मेरा काम है आपको बताना। स्टूडेंट है, इनके नंबर है, 4 नंबर है, 11 54 83, 11 54 83, और इनको कॉलेज मिला है SMS। इनके मार्क्स है 78, आप चेक कर लेना। इनके मार्क्स है 78, और आपको अलॉटमेंट लेटर दिखा रहा हूँ। अलॉटमेंट लेटर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, SMS हॉस्पिटल के कैंपस, झालावाड़, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर। गवर्नमेंट कॉलेज SMS वाली मिली है, और इनके मार्क्स है 78। फॉर्म नंबर है इनके 11 54 83, आप चेक कर सकते हो, इनका रिजल्ट चेक कर सकते हो। इनके 78 नंबर है, और कॉलेज मिली है गवर्नमेंट कॉलेज SMS वाली, जयपुर कॉलेज मिली है। 78 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिली है। OBC का कैंडिडेट है, OBC अदर स्टेट, OS का मतलब है अदर स्टेट। अदर स्टेट जो है उनकी कट ऑफ काफ़ी कम रही है, जबकि नियम यह है कि 15% में, जो 15% है उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे, राजस्थान के बच्चे भी एलिजिबल रहेंगे। तो राजस्थान के बच्चों को 15% में पार्टिसिपेट नहीं किया है। यदि 15% में पार्टिसिपेट करते हैं, और नियम यह है करेंगे, गाइडलाइन में भी दे रखा है कि पार्टिसिपेट करेंगे। इसी के अलावा 82 नंबर तक SMS नहीं मिला है, जबकि इनको 78 पे ही SMS मिला है। एक और स्टूडेंट है, 57 पे ही RHS मिल गया। दिखाता हूँ मैं आपको अलॉटमेंट, उनका भी दिखाता हूँ। ये देखिए रजनीकांत, आपको RHS कॉलेज मिला है, लेकिन दोस्त काफ़ी स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, तो मैं आपका ये अलॉटमेंट लेटर दिखा रहा हूँ। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है सही बताना, और मैं स्टूडेंट को सही बता रहा हूँ। इनके फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर इन्होंने डिलीट कर दिए, लेकिन इनके फ़ोन नंबर मेरे पास है, आप भी चेक कर सकते हो। नाम से ये सारा नाम लगा के आप चेक कर सकते हो। इनके फ़ोन नंबर है 11 92 42, 11 92 42, इनको मिला है RHS कॉलेज, RHS कॉलेज मिला है, और इनके नंबर है 57, 57 पे, और यह है जनरल के स्टूडेंट, जनरल के स्टूडेंट को RHS कॉलेज मिला है। जनरल का स्टूडेंट है, 57 नंबर है, और RHS कॉलेज मिला है। तो ये हो क्या रहा है भाई, ये काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। आपको क्या करना चाहिए, आप सभी जिनके भी अच्छे नंबर है, अब 57 को RHS मिल रहा है, तो आप आइए और बताइए कि सर हमारे तो 57 से अबव नंबर है। जनरल के बच्चे को आप RHS अलॉट कर रहे हो, और हमारे नंबर 70 है, 75 है, आपके नंबर यदि 57 से ऊपर है, 57 से ऊपर है, तो आप आओ, अपना अलॉटमेंट लेटर साथ लेके आना है। और सभी को जिनको भी कॉलेज नहीं मिली है, 57 पे कॉलेज मिल रही है इनको, कौन सी RUHS, और आपके 57 से अबव नंबर है फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिली है, तो आप RHS आके उनको बोलो कि हमें भी 15% में पार्टिसिपेट किया जाए, जबकि गाइडलाइन में दे रखा था पार्टिसिपेट करने के लिए, और पार्टिसिपेट नहीं किया गया है 15% में। तो आपको पार्टिसिपेट करेंगे तो पार्टिसिपेट करने पे आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, RHS कॉलेज मिल सकती है। इनको 57 पे ही RHS कॉलेज मिल रही है, ये आउट ऑफ स्टेट है, अपने राजस्थान के बाहर के जो भी बच्चे हैं उनको काफ़ी अच्छा फायदा हुआ है। अभी ये दो दो तीन बच्चों के अलॉटमेंट लेटर मेरे पास आए हैं। मैं आपको बता दूं, हकीकत यह है कि 40 नंबर तक आउट ऑफ स्टेट वालों को 40 नंबर तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिली है। तो यह सब कुछ गलत हो रहा है, आपको RHS आना है और कंप्लेंट करना है। इनके फ़ोन नंबर है 11 92 42, आप चेक कर सकते हो इनका रिजल्ट। नाम है रजनीकांत, और ये जनरल के स्टूडेंट है, 57 मार्क्स है। आप किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको RHS मिलूंगा, आप मेरे से बात कर सकते हो, मैं आपके हित के लिए लड़ना चाहता हूँ। ओके, आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। हाँ जी भाई, देखो कोर्ट वगैरह तो बाद में करेंगे, रोहित एक बार आप आके बात तो कीजिए पहले, आप एक बार आके बात तो कीजिए कॉलेज में। जिन बच्चों की अभी 71 है, 71 चूरू मिला है, तो भाई आपको चूरू क्यों, SMS मिलना चाहिए था, RHS मिलना चाहिए था, जब 57 वालों को RHS मिल रहा है। आप देख लीजिए ना, मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ, अलॉटमेंट लेटर दिखा रहा हूँ, सब कुछ प्रूफ बता रहा हूँ, तो आप आइए, और ये सब कुछ आपका सपोर्ट होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे।
दोस्तों मैं आपको आरएचएस मिल जाऊंगा, आप मेरे को आरएचएस आके मिल लेना, मैं आपसे बात कर लूंगा और आपके साथ चलूंगा, आपके हक के लिए लड़ने के लिए मैं आ रहा हूं। ओके, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि किसी का फायदा हो सके। 57 को आरएचएस मिल रहा है, 62 पे आपको झालावाड़ मिला है, जबकि यहाँ 57 पे आरएचएस मिला है, तो ये आपके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। आप फटाफट से आरएचएस आइए और अपनी कंप्लेन कीजिए, अपन सभी एक साथ होंगे तो अपन काउंसलिंग दोबारा करवा सकते हैं, काउंसलिंग दोबारा होगी तो आपको अच्छी कॉलेज मिल सकती है। ओके, आप वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है, टेक केयर, लाइक शेयर।